अभिनेता डिनो मौर्या और दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जब्त की। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के दामाद अभिनेता डिनो मौर्या, संजय खान और डीजे अकील की संपत्ति गुजरात स्थित दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कुर्क की है। ईडी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ईडी ने कहा कि धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत चार लोगों की संपत्ति कुर्क करने के शुरुआती आदेश जारी किए गए हैं। संपत्ति की कीमत 8.79 करोड़ रुपए है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इसमें से खान की कुर्क की जाने वाली संपत्ति 3 करोड़ रुपए मूल्य की है, डिनो मौर्या की संपत्ति 1.4 करोड़ रुपए की है और डीजे अकील के नाम से लोकप्रिय अकील अब्दुल खलील बचू अली की संपत्ति 1.98 करोड़ रुपए की है, जबकि अहमद पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी की संपत्ति 2.41 करोड़ रुपए की है। ईडी ने कहा कि स्टर्लिंग बायोटेक समूह के भगोड़े प्रवर्तक नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा ने अपराध से अर्जित धन को चारों लोगों को दिया। एजेंसी ने कहा कि प्रवर्तक बंधु नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, चेतन की पत्नी दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल को एक विदेश अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। धन शोधन का ये मामला 14,500 करोड़ रुपयों की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसकी साजिश स्टर्लिंग बायोटेक और उसके मुख्य प्रवर्तकों और निर्देशकों ने रची। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।